Welcome to my video lecture on Ecosystem Unit 3 Part 2 under Environmental Studies for the graduation course. In this lecture, we are going to discuss ecological successions, energy cycle, energy pyramid. We are going to talk about the value of goods and services in ecosystem, how ecosystem develops. Ecological succession. Ecological succession is a process through which ecosystems tend to change over a period of time. Ecological succession, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ecosystem एक समय पे एक period of time पर change होता है. दो कारण हो सकते हैं. First, seasonal environmental changes या फिर वैसी changes that take decades for ecological succession to happen. इसकी जो developmental stages होती हैं ecological succession की, first stage को हम लोग बोलते हैं pioneer stage, second stage को बोलते हैं seral stage और third stage को बोलते हैं climax stage. Example है जिस तरह से एक तालाब है, वो summer season में dry हो जाता है और फिर rainy season में दोबारा से उसकी जो उसमें हर तरह की डेवलपमेंट हो जाती है, एक दोबारा से लाइफ आ जाती है. तो वो एक एग्जांपल हुआ सीजनल एनवायरमेंटल चेंज का. मान लीजिए कि अगर आप चेंजेस ओवर द डिकेड करें तो एक फॉरेस्ट है, उसको पूरा क्लियर कर दिया गया है, तो उसमें सर्टेन ग्रुप ऑफ स्पीशीज और एनिमल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स पहले एक कॉलोनाइज करेंगे, उसके बाद ग्रेजुअल चेंज होगा और एक पूरी की पूरी एक कम्युनिटी डेवलप करेगी और वो पूरी तरह से एक इकोसिस्टम क्लाइमेक्स स्टेज पे पूरी तरह से तैयार होके आपके सामने आ जाएगा. तो इस तरह से इकोलॉजिकल सक्सेशन हुई है. हम भी इकोलॉजिकल सक्सेशन के पार्ट हैं और कभी ना कभी हमारा जो जहाँ पे हम बसते हैं इस वक्त, वो हो सकता है कि बैरन लैंड हो या हिल हो या प्लेन्स हो या फॉरेस्ट हो, और धीरे धीरे किस तरह से इकोलॉजिकल सेटअप वहाँ पे सेट हुए, डेवलपमेंट्स हुई, प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो किए, लिविंग नॉन लिविंग पे किस कंडीशन में किस तरह से अपने आप को इवॉल्व किया, वो सारा ही सिस्टम इकोलॉजिकल सक्सेशन के तहत आता है. एनर्जी साइकिल. एनर्जी साइकिल इज बेसिकली द फ्लो ऑफ बर्थ एनर्जी. इट इज बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ एनर्जी. एनर्जी किस लिए? एनर्जी जो दिन भर की हम गतिविधियां करते हैं अपने शरीर के अंदर और अपने शरीर के द्वारा, उसके लिए एक एनर्जी लगती है. भले वो प्लांट हो, भले वो एनिमल्स हो, भले वो कोई भी स्पीशीज हो, उसको अपना काम करने के लिए एनर्जी लगती है. और बेसिक सोर्स जो एनर्जी का है, दैट इज आवर सोलर एनर्जी, जो कि हमें सनलाइट द्वारा मिलती है. और प्लांट्स के अंदर सनलाइट कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, जो जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट के द्वारा कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसको ग्लूकोज बोल रहे हैं यहाँ पे, और ऑक्सीजन में रिलीज होती है. ये हम सब जानते हैं. इसी वजह से प्लांट्स को प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि प्लांट्स अपनी एनर्जी के लिए किसी भी दूसरे प्राणी पे या लिविंग स्पीशीज पे डिपेंड नहीं करता है. सेकंड स्टेज पे आता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि हर्बीवोर है. हर्बीवोर मतलब ग्रास ईटर्स. प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, और उनको जो खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोर्स, इसलिए उनको कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर. इस तरह जो सोलर एनर्जी शुरू होती है, वो प्लांट में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते करते पूरी जो लिविंग स्पीशीज है उसकी एनर्जी का बंदोबस्त करते हैं, और इस तरह से एनर्जी का एक फ्लो चलता है इकोसिस्टम के अंदर. प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है? प्लांट्स हम जानते हैं कि वो अभी बात कर रहे थे, सनलाइट से कन्वर्ट करता है, एनर्जी लेता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको. तो प्लांट क्या करता है कि ये जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, खुद को बड़ा करने में, पत्ते फूल रूट्स उसकी फल बनाने में काम आता है, क्योंकि जो सन की एनर्जी है वो डायरेक्टली प्लांट के टिश्यू के अंदर ही कन्वर्ट होती है और वहीं से फूड का काम करती है. इसीलिए हम लोग प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं. इसके अलावा जो एक एनर्जी साइकिल में डायरेक्टली तो नहीं इन्वॉल्व होते, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, वो कहलाते हैं डिकम्पोजर्स.
अब ये डीकम्पोजर्स क्या है? ऑब्वियसली एक लाइफ साइकिल जब चलता है तो प्लांट्स और एनिमल्स की बर्थ और फिर डेथ होती है। अब ये जो डेड मैटर है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं वैसे हम लिविंग बींग्स को कहते हैं डीकम्पोजर्स। और ये डीकम्पोजर क्या करते हैं, एनर्जी साइकिल में न्यूट्रिएंट्स को दोबारा रूट के द्वारा प्लांट में पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जो छोटे हम लोग केमिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है चीजों को, वो सॉइल में ही जाते हैं वापस। तो डीकम्पोजर्स हमारे इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, बैक्टीरिया है और फंगस है। एनर्जी साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। एनर्जी साइकिल में एक और चीज हमें इंपॉर्टेंट है, एक रिलेशनशिप है नाइट्रोजन साइकिल से इस तरह से कि जो एनिमल का एक्सक्रीटेड वेस्ट होता है आफ्टर डाइजेशन वो भी दोबारा एज न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में चला जाता है, और एनर्जी साइकिल से इस तरह से ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ये भी एक सिस्टम के तहत एनर्जी को, एनर्जी की फ्लो को दुरुस्त रखता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारी सर्वाइवल के लिए। एनर्जी पिरामिड को देखें तो एनर्जी पिरामिड में बेस में आप देख रहे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जो कि प्लांट्स हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं सेकेंडरी, इस तरह से ये एक पिरामिड की शेप लेता है। पिरामिड से हम ये समझते हैं जो बेस जो प्रोड्यूसर है जो बेस में है पिरामिड पिरामिड में, उसकी जो पैदावार है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ताकि एपेक्स में जो भी एनिमल्स आते हैं या जो भी लिविंग बींग्स आते हैं उनकी प्रॉपर कंजम्पशन हो, वो प्रॉपरली कंज्यूम कर सकें अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए फूड। और डिकम्पोजर्स किस तरह से काम करते हैं, सन की एनर्जी किस तरह से यहाँ पे एक प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास जा रही है, किस तरह से प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स, और किस तरह कुछ एनर्जी जो है वो हीट के रूप में एनवायरमेंट में जाती है, ये सारा समझाता है हमारा एनर्जी पिरामिड। दो टाइप के पिरामिड्स बन सकते हैं, टेरेस्ट्रियल फूड पिरामिड और एक्वाटिक फूड पिरामिड, लेकिन दोनों में समानता ये है कि हम लोग प्लांट से शुरू कर रहे हैं और मैन इसके टॉप में है। यहाँ भी हम लोग प्लांट से शुरू कर रहे हैं और मैन इसके टॉप में है, बीच में और एनिमल्स भी आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे शीप आ रहा है, शीप को मैन खाता है, यहाँ पे फिश आ रही है, फिश को मैन खाता है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जो मैन है वो एपेक्स पे होता है एक फूड पिरामिड में। तो मैनकाइंड को सपोर्ट करने के लिए जो हर्बीवोरस का जो बेस है और जो प्लांट मटेरियल का बेस है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, इसीलिए हमें एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को बचा के रखना होता है ताकि ये जो सिस्टम है चलता रहे, क्योंकि हमें, हम लोग एनिमल्स को भी खा रहे होते हैं और हम लोग प्लांट्स को भी खाते हैं, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट दोनों के लिए ज़रूरी है, दोनों चीज़ें लगती हैं हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, इसलिए हमारे जो एनर्जी पिरामिड का जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर हम लोग एनवायरमेंट को नहीं, एनवायरमेंट के ऊपर नहीं ध्यान देंगे, उसके रिसोर्सेज को हम डिप्लीट करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो मैन है टॉप में जिसका सर्वाइवल बॉटम लेवल की वजह से है वो उसके सर्वाइवल में प्रॉब्लम्स आ सकती है। और ये जो एनर्जी साइकिल है इससे एक फूड चेन बनता है, क्योंकि प्लांट को एनिमल खा रहा होता है और एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खा रहा होता है, तो इस तरह से एक सिस्टम बनता है जिसको बोलते हैं फूड चेन। हम लोग एक दूसरे के लिए, जो बहुत सारी स्पीशीज हैं वो एक दूसरे के लिए फूड का काम भी करती हैं, और वो एक चेन में है कि घास खाया शीप ने और शीप को खाया मैन ने या टाइगर ने, तो इस तरह से एक फूड चेन बनती है। लेकिन अगर हम लोग नेचर में देखें तो ये कितना सिंपल सिस्टम नहीं है, ये फूड चेन्स का बहुत ही इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत बनते हैं एज फार एज फूड इज कंसर्न। तो इसलिए इस इंटरलॉक इंटरलिंक चेन्स ऑफ और फूड चेन्स को हम लोग कहते हैं फूड वेब। वेब ऑफ लाइफ को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा फूड चेन्स को। अगर हम और अच्छे से फूड चेन को समझें तो फूड चेन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स इन प्लांट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटन। हम लोग एक दूसरे को खाते हैं फिर हमें कोई खा जाता है, इस तरह से एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी चलती है प्लांट से लेके एपेक्स तक पिरामिड में, उस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। और हर एक फूड चेन
में जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है तो कुछ हीट जो है वो एनवायरनमेंट में लॉस होता है, और ये सारी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, क्योंकि फूड चेन आइसोलेशन में नहीं हो सकती है, इस पूरे इंटरलॉकिंग पैटर्न को हम लोग बोलते हैं फूड वेब। अब हर एक स्टेप जो है फूड वेब का, उसको कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। ग्रीन प्लांट्स फर्स्ट लेवल है, हर्बीवोर सेकेंड लेवल है, कार्निवोर थर्ड लेवल है, एंड सेकेंडरी कार्निवोर जो है वो फोर्थ लेवल है, और ये सारे ट्रॉफिक लेवल्स टुगेदर मिलके हम लोग बनाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, और ये सारा सिस्टम जो मिलके है उसको कहते हैं वेब लाइफ, वेब ऑफ लाइफ, क्योंकि बहुत सारे इंटर रिलेशनशिप्स जो है एनवायरनमेंट में या नेचर में उसको ये समझाता है, इसीलिए इसको कहते हैं वेब ऑफ लाइफ। इकोसिस्टम्स की बात करें तो दो बेस है, टेरेस्ट्रियल लैंड बेस्ड, एक्वाटिक वाटर बेस्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सेमी एरिड एरियाज, डेजर्ट, माउंटेन और आइलैंड आते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में, और पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर डेल्टा और मेराइन आते हैं एक्वाटिक सिस्टम्स में। इकोसिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है, डायरेक्ट वैल्यू होती है और इनडायरेक्ट वैल्यू होती है। डायरेक्ट वैल्यू है वो वैसे रिसोर्सेज जिसपे की पीपल डिपेंड करते हैं डायरेक्टली, और इजिली हम लोग इसको इकोनॉमिक टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू लगा सकते हैं। दो टाइप, कंजम्पटिव यूज वैल्यू एंड प्रोडक्टिव यूज वैल्यू। कंजम्पटिव यूज वैल्यू जो है नॉन मार्केट वैल्यू ऑफ फ्रूट, फॉडर, फायरवुड दैट आर यूज्ड बाय पीपल हु कलेक्ट देम फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। जो आसपास से अपना खाना खुद कलेक्ट करते हैं और मार्केट से नहीं खरीदते हैं, वैसे फूड को, फ्रूट को, फायरवुड को हम लोग लाते हैं कंजम्पटिव यूज वैल्यू में, और प्रोडक्टिव यूज वैल्यू में हम उस तरह की चीज़ों को लाते हैं जिसकी कमर्शियल वैल्यू होती है, जैसे टिम्बर हो गया, फिश हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, और इनको भी, इनको जो लोग हैं वो कलेक्ट करते हैं ताकि उसकी सेल की जा सके। इसके अलावा इनडायरेक्ट वैल्यू है इकोसिस्टम गुड्स और सर्विसेज को, दीज आर यूजेस दैट डू नॉट हैव इजी वेज टू क्वांटिफाई देम इन टर्म्स ऑफ अ क्लियरली डिफाइनेबल प्राइस। इकोसिस्टम में जितनी भी चीज़ें बनती हैं, जो भी चीज़ें वो हमारी टच करें या उनको टच ना कर पाए हम लोग, ऐसी कोई भी चीज़ अगर बनती है तो अगर हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं लेकिन यूज़ कर रहे हैं इकोसिस्टम को, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वैल्यूज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इकोसिस्टम। इसमें पहला है नॉन कंजम्पटिव यूज वैल्यू, जिसमें साइंटिफिक रिसर्च, बर्ड वॉचिंग, इको टूरिज्म आते हैं। एक है ऑप्शन वैल्यू, कि मेंटेनिंग ऑप्शंस फॉर द फ्यूचर, कि अगर हम लोग इस चीज़ को अभी प्रिजर्व करते हैं तो फिर हम उसको आने वाले समय में उसका इकोनॉमिक बेनिफिट लेते हैं, तो ऑप्शन वैल्यू को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं इसमें। और एक वैल्यू होती है एग्जिस्टेंस वैल्यू, कि एथिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचर, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारी वैल्यूज क्या है, हम किस तरह से वाइल्ड लाइफ और नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, या उसके बारे में एथिकली या इमोशनली कैसा सोचते हैं, ये भी एक हम लोग इकोसिस्टम गुड्स और सर्विसेज को वैल्यू लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्लास में आराम से आके सब चीज़ों के ऊपर और इलैबोरेटली डिस्कशंस कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।